आज मैं अपने GTA फैमिली साल करने वाला हूँ। इसकी मोस्ट इसमें होंगे GTA 6 के ग्राफिक्स, कैरेक्टर्स, व्हीकल्स, वेपन्स, एनिमल्स, मिशंस एंड और भी बहुत कुछ। वीडियो में बहुत मजा आने वाले। एंड हाँ, माय फेवरेट 27 नंबर मोड को देखना यार मिस मत करना, ताकि अगर तुमको यह मोड्स चाहिए तो इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये है मेरी डिफॉल्ट GTA 5 विदाउट एनी मोड्स। अभी सबसे पहले मैं अपनी गेम में कुछ बेसिक मोड्स इंस्टॉल करता हूँ, जिनके बिना GTA 5 में मॉडिंग करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। स्क्रीन पर जो तुम्हें लिस्ट दिख रही है वही 9 बेसिक मोड्स मैंने अपनी गेम में इंस्टॉल करे हैं। देन अपना फर्स्ट मोड मैंने GTA 6 लोडिंग स्क्रीन का इंस्टॉल किया है, जिसे पता तो चले कि भाई हम GTA 6 खेल रहे हैं। वेल्स इसके बाद बार आती है ग्राफिक्स की, तो मैंने एक VLB मोड इंस्टॉल किया है, जिससे अपनी गेम ऐसे ऐसी हो गई है। अभी जैसा कि हमें पता है कि GTA 6 में जेसन एंड लूसी होने वाले हैं, तो इनको भी मैंने गेम में इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद उनके रहने के लिए मैंने एक घर इंस्टॉल किया, जिसका नाम है वेस्पुची बीच हाउस। ये बहुत ही आलीशान घर है। तो हमने GTA 6 के ट्रेलर में देखा था कि जेसन के पास थी चेवरोलेट ट्रेवलिस, तो इसको भी मैंने अपनी गेम में इंस्टॉल कर लिया। एंड लुसिया के लिए मैंने यार लेमोरगिनी स्वैन इंस्टॉल कर लिया। मैंने सोचा कोई तो यार मॉडर्न कार भी होनी चाहिए ना। इन दोनों कार्स में से मेरे को तो यार लेम्बोर्गिनी पसंद आई। तुमको कौन सी कार पसंद आई कमेंट में लाजमी बताना। अभी इसके बाद मैंने GTA 6 वाले नंबर प्लेट्स का मोड इंस्टॉल कर लिया। देन फ्यूल मोड को इंस्टॉल किया, जिससे हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी भरवा सकते हैं। देन मैंने देखा कि गेम में इंडिकेटर्स वर्क नहीं करते, तो मैंने इंडिकेटर्स का भी मोड इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद मैंने ओपन ऑल इंटीरियर्स मोड इंस्टॉल किया है, जिससे हम 50 प्लस इंटीरियर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसी मोड से अपनी गेम में एक बहुत बड़ी यॉट आ चुकी है, एंड उसके साथ एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भी चुका है। वेल तो अभी यार मेरे को GTA 5 का मैप इतना मजा नहीं दे रहा था, तो मैंने पम्स मोड को इंस्टॉल कर लिया है, जिससे अपनी गेम में पम्प ट्रीज लग चुके हैं। एंड ये भी मुझे इतना यार खास मजा नहीं दे रहा था, तो मैंने GTA 5 पम्स को इंस्टॉल कर लिया है, जिससे अपनी गेम के फुल हाईवे पर पम्प ट्रीज लग चुके हैं। अभी यार मुझे बिल्कुल वाइस सिटी वाली फील आ रही है। एंड हाँ, मैंने वाइस सिटी वाला मैप इसलिए नहीं इंस्टॉल किया है क्योंकि मैप यार डिटेल्ड नहीं था, GTA 6 के हिसाब से बिल्कुल ही लो साइज वाला मोड था, तो मैंने सोचा इसको नहीं इंस्टॉल करते, GTA 5 के लॉस सैंटोस में ही काम चला लेंगे। बाकी हाँ, मैंने दुबई का मोड इंस्टॉल किया है, वो लाजमी देखना। अभी तुमको पता है कि GTA 5 में तो यार सब कुछ है, लेकिन एक जंगल नहीं है, तो मैंने फॉरेस्ट ऑफ सैन एंड्रियास मोड को इंस्टॉल कर लिया, जिससे अपनी गेम में बहुत बड़ा आलिशान जंगल ऐड हो चुका है। उसके बाद मैंने एनिमल्स का मोड इंस्टॉल किया है, जिससे अपनी गेम में लायंस, हॉर्सेस एंड इवन के डोंकी भी आ चुका है। अभी यार इस गधे को देखकर मुझे सच में बहुत गेम अच्छी लग रही है। इसको छोड़ो, अभी दिक्कत ये है कि हम इन एनिमल्स के ऊपर यार राइड नहीं कर सकते, तो मैंने ऐसा किया कि अपने लिए एक बहुत बड़ा आलिशान हॉर्स अलग से इंस्टॉल कर लिया। एंड राइड एट डेयर मोड को मैंने इंस्टॉल कर लिया, जिससे हम उस घोड़े के ऊपर राइड भी कर सकते हैं। वेल तो अभी बढ़िए मेरे फेवरेट मोड की, जिसका नाम है टू व्हील ड्राइविंग। इस क्लिप को देखकर तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये मोड कैसा आने वाला है। फिर मैं आपको बताता हूँ, इस मोड से ना हम अपनी गाड़ी को फुल उल्टा या सीधा जो भी चाहे जिस भी एंगल में चाहे कर सकते हैं। जैसे मैंने लुसिया की लेम्बोर्गिनी को बिल्कुल टर्न कर लिया है इसी तरह। एंड हाँ, ये क्लिप भी मैंने ही बनाई है GTA 5 वाले रॉकस्टार एडिटर से, ये मत समझना कि किसी दूसरे क्रिएटर की उठाई है, नहीं भाई नहीं, फुल अपना कंटेंट है। तो अभी मैंने रियलिस्टिक कलाश्निकोव मींस के AK-47 को इंस्टॉल किया है। उसके बाद पिकअप्स मोड को मैंने इंस्टॉल किया, जिससे हम RDR2 की तरह एंड PUBG फ्री फायर गेम की तरह सिर्फ चंद ही वेपन्स को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। उसके बाद गेम में वेपन्स का साउंड इतना अच्छा नहीं था, तो मैंने रियलिस्टिक गन साउंड का मोड इंस्टॉल कर लिया है, जिससे अपनी गेम में वेपन्स का साउंड बिल्कुल रियल लाइफ वाली तरह हो चुका है। अभी मैंने पुल या गन्स आउट का मोड इंस्टॉल किया है, जिससे अपना प्लेयर गैंगस्टर्स की तरह पिस्टल निकल रहा है। पुल एनिमेशन चेंज हो गई है वेपन्स निकलने की। अभी मुझे गेम में रेगडोल फिजिक्स अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने यूफोरिया रेगडोल फिजिक्स का मोड इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद ब्लिफ के टी शर्ट भी यार नकली लग रहे थे, तो मैंने इम्प्रूवमेंट्स इन गोर का मोड इंस्टॉल किया, जिसके बाद आप ब्लिफ के टेक्सचर्स देख ही सकते हो, बिल्कुल रियलिस्टिक ब्लड बन चुका है गेम में। एंड इवन के ये मोड इतना रियलिस्टिक है कि जब मैंने इस मोड को इंस्टॉल कर लेने के बाद NPCs को गोलियां मारी, तो भाई उनके बॉडी पर बिल्कुल निशान बन गए। वेल अगर आपके पास भी GTA 5 है तो इस मोड को यार जरूर टेस्ट करना। नाउ ये जो मोड मैंने इंस्टॉल किया है ना, इसको देखकर यार आपको भी मजा आ जाएगा। इसका नेम है क्रॉल इंजरी। इस मोड को इंस्टॉल कर लेने के बाद जब हम किसी भी NPC को इंजर्ड करेंगे, तो भाई वो तो भाई रियल लाइफ वाली तरह इंजर्ड हो जाएगा, अपने आप को पूरी की पूरी कोशिश करेगा बचाने की। लेकिन मैंने रियल लाइफ पैरामेडिक्स का मोड इंस्टॉल किया है, जिससे एक एम्बुलेंस आ जाएगी एंड मरे हुए बंदे को एकदम एक ही झटके में ठीक कर देगी, जैसे वाइस सिटी में होता था। नाउ तो इसके बाद मैंने स्टेंथ एंड प्रोन का मोड इंस्टॉल किया है, जिससे हम क्राउच करके स्टेंथ मोड में बंदे को मार सकते हैं एंड प्रोन भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने थ्रोइंग नाइफ का मोड इंस्टॉल किया। ये मोड यार पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। इस मोड से हम किसी भी NPC को हिटमैन गेम की तरह नाइफ फेंक कर मार सकते हैं।
उसके बाद मैंने सोचा कि हिटमैन गेम वाली फील आ रही है, तो ड्रेक डेड बॉडी इमोट को मैंने इंस्टॉल कर लिया, जिससे हम बंदों को ट्रैक करके छुपा भी सकते हैं। वेन ये मत समझना कि ये हिटमैन है, ये हम GTA 6 बनाने वाले हैं। एंड हाँ, GTA 6 में ये फीचर्स आने वाले हैं। नाउ तो इसके बाद मैंने इंस्टेंट रेन का मोड इंस्टॉल किया, जिससे बिल्कुल रियल लाइफ वाली बारिश बन गई। उसके बाद रियलिस्टिक थंडर का भी मोड इंस्टॉल कर लिया, जिससे गेम का लुक और भी चेंज हो गया। देन अभी बार ये आपके एंड मेरे फेवरेट मोड की, जिसका नेम है दुबई में। नाउ तो इस मोड को इंस्टॉल कर लेने के बाद मैंने GTA 6 पोस्टर्स का मोड इंस्टॉल किया, जिससे अपने माइकल के घर में GTA 6 के ट्रेलर वाले फोटोज ऐड हो चुके हैं। ये आप दीवारों पर देख ही सकते हो, फुल घर में GTA 6 वाले फोटोज लग चुके हैं। बेसिकली ये मोड मैंने GTA 6 वाली फील लाने के लिए इंस्टॉल कर लिया। अभी तुमको शायद बताओ, GTA 5 में हॉट एयर बलून नहीं है, तो मैंने इस मोड को भी इंस्टॉल कर लिया। एंड जेसन को देखो भाई, कितना मस्त तरीके से बैठा है। इसके बाद मैंने फन के लिए एक और मोड इंस्टॉल किया, जिसका नाम है होस्टेज भी। इस मोड से हम बंदों को होस्टेज कर सकते हैं। आई थिंक तुमको पता होगा, GTA 5 में तीनों कैरेक्टर्स के पास एक स्पेशल एबिलिटी है, तो मुझे लग रहा है कि GTA 6 वाले कैरेक्टर्स के पास भी ये स्पेशल एबिलिटी जरूर होगी। तो मैंने जेसन के लिए शूट डॉज का मोड इंस्टॉल किया है, जिससे इसकी स्पेशल एबिलिटी तुम देख ही सकते हो, जंप करके बंदों को मार सकते हैं, वरना अपने GTA 5 में ऐसा फीचर नहीं था। वेल तो इसके बाद मैंने डिसआर्म मोड को इंस्टॉल किया है। ये मोड जब हम पुलिस वालों से फाइट करते हैं, तब बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इस मोड से हम एनिमीज को जब भी हैंड में गोली मारेंगे, तो उनकी जो गन है वो नीचे गिर जाएगी। एंड इसके बाद तो तुम्हें पता है, उन्हें मारना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, मैंने किल कैम का मोड इंस्टॉल किया है, जिससे हम किसी भी NPC को मारेंगे तो वो एक तो स्लो मोशन में एंड सिनेमेटिक कैमरा में मरते हुए दिखाई देगा। अभी मैंने फन के लिए लो लाइफ क्राइम का मोड इंस्टॉल किया है, जिसे हम बंदों से पैसे लूट सकते हैं, पैसे छीन सकते हैं। ये आप देख ही सकते हो, इस बंदे ने अपना पर्स हमें निकाल के दिया है, यही काम है इस मोड का। इसके बाद मैंने होस्टेज ह्यूमन शील्ड का मोड इंस्टॉल किया है, जिसे हम बंदों को बिल्कुल मूवीज की तरह होस्टेज बना सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें पुलिस से एस्केप करना हो, तो बंदों को होस्टेज बना के आराम से एस्केप कर सकते हैं। एंड हाँ, हम चाहे तो इस मोड को इंस्टॉल कर लेने के बाद हम बंदों को मार भी सकते हैं एंड इनको आजाद भी कर सकते हैं। नाउ तो अपने 49 मोड्स इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी बार ये अपने 50 मोड की, इसका नेम है डर्ट मोड। इस मोड से बेसिकली अपनी गाड़ी में मिट्टी जम जाती है, जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है। एंड इवन कि हम गांव वाली साइड जाएंगे, तो वहाँ पर तो यार इससे भी 10 गुना ज्यादा मिट्टी लग जाएगी अपनी गाड़ी को, जो कि एक नेक्स्ट लेवल फील देती है। वेल दोस्ती के साथ अपने 50 मोड्स इंस्टॉल हो चुके हैं। आपको कौन सा मोड अच्छा लगा कमेंट्स में लाजमी बताना। बाकी पार्ट 2 चाहिए तो वो भी कमेंट्स में बता देना, बिकॉज मोड्स यार बहुत है, बहुत बहुत मोड्स है। लेकिन मैंने सोचा कि फिलहाल के 50 मोड्स इंस्टॉल करते हैं, इसलिए मैंने इतना छोटा वीडियो बना दिया। अभी तुमको ये मोड्स चाहिए, तो आपने ऐसा करना है कि सिंपली गूगल ओपन करके जो भी मोड तुम्हें पसंद आया उसका नाम लिखकर एंड में मोड फॉर GTA 5 लिखना। उसके बाद सर्च करोगे तो वो मोड आपके सामने आएगा। उसके बाद डाउनलोड करके सिंपली अपने गेम में इंस्टॉल कर लेना। बाकी अगर सारे मोड्स के डायरेक्ट लिंक्स चाहिए, तो मेरी एक शर्त है, इस वीडियो पे अगर 100 लाइक्स आ जाते हैं, तो मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मैंने अपने गेम में सेलिब्रिटीज को भी इंस्टॉल किया है एंड उनके बीच में एक रेस भी करवाई थी, जिसमें जीतने वाले को मिलनी थी 10 सुपर कार्स एंड $1,00,000। अगर वो रेस देखनी है तो इस वीडियो में आ जाओ। बाकी हाँ, मैं GTA 6 का प्रोलॉग मिशन बना रहा हूँ, उसको अपने चैनल पर अपलोड करते ही इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, चेक कर लेना।